नमस्कार, एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा त्रिपाठी। आप हमें देख रहे हैं स्वयंप्रभा के चैनल किशोर मंच पर, और साथ ही आप हमें देखते हैं एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर। आज का हमारा विषय है खेल खेल में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आज हम कुछ खेल खेलने वाले हैं, या यूं कहें कि खेल खेल में बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज विषय ही ऐसा है जिसे आप चाहकर भी किताबों से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको प्रकृति के पास जाना होगा, उसके साथ हिलना मिलना होगा और खेल खेलने होंगे। लेकिन ऐसे घर में बैठे बैठे प्रोग्राम देखते देखते कैसे खेल खेल सकते हैं? खेल सकते हैं अगर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हों। तो आइए अपने एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर कविता शर्मा, आप एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से हैं, और हमारे साथ हैं शिल्पा ठकराल जी, आप ई कंटेंट डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। आप दोनों से बातचीत शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, कोई भी क्वेरी है हमसे, कोई सजेशन है, कुछ कहना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 1800-111-265 और 1800-111-2199। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं ciet.kishormanch@gmail.com पर। और आप अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए सवाल जवाब कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के खेल खेलने के लिए अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। तो कविता जी बताइए, कैसे शुरू कर रहे हैं हम ये खेल? थैंक यू नेहा, और सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। आप I'm sure आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, घर पर मजे में होंगे। और हम ये देखते हैं, पहले तो एक बात बहुत जरूरी थोड़ी सी कहना चाहूंगी कि एज यू नो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी सेहत बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज हेल्थ? इज इट जस्ट द फिजिकल हेल्थ और इज इट द मेंटल हेल्थ और इज इट बोथ? क्या ये होलिस्टिकली हम इसको देख पाते हैं कि हमारी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ वेल, वो जो अगर सही है सब कुछ, तो ही हमारी हेल्थ को हम ठीक ठाक कह सकते हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि जितने हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और पॉलिसीज हैं, वो सब एम्फेसाइज करती हैं दैट यू नो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नीड्स टू बी एन एसेंशियल एंड कोर करिकुलर एरिया। और उसी चीज में आई कैन से दैट एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन जो विषय है, इट ऑफर्स इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज टू यू नो इंटीग्रेट दिस विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं इसमें न ही केवल यू नो खेल खेल में बच्चे जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हैं, और उसके साथ साथ यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू नो दे आर सो एक्टिवली एंड जॉयफुली एंगेज्ड विद यू कि पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारी पढ़ाई हो गई है और कब हमारा खेल भी जो है वो जारी रहा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, देर आर 3-4 गेम्स दैट वी हैव ब्रॉट फॉर यू टूडे। एंड शिल्पा है इसमें कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर ही करने वाला है, बड़े भी उनके साथ खेल सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी चीजें, शायद हम ये तो कुछ सजेशंस हैं, आप इनके अलावा भी बहुत सारी गेम्स के आपको आइडियाज आएंगे जिससे आप खुद भी उनको बना पाएंगे और खेल पाएंगे अपने बच्चों के साथ भी, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी और एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी। तो ताकि घर में ही इस दौरान हमारी सबसे जरूरी है कि हम सबकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। फिजिकल हेल्थ के लिए तो हमको कह ही रहे हैं कि आप खान पान ठीक रखिए, न्यूट्रिशन रखिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी फिजिकली एक्टिव होना, फिजिकली एंगेज होना, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। तो देखते हैं हमारे पास क्या खेल है आज बच्चों के लिए। आइए कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो हम खेल खेलने वाले हैं वो उससे खेल के बच्चों को मजा आएगा और मेंटल हेल्थ में वो उसको मेंटेन करने में वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे हमने अपने पीछे पहले वीडियो में, मैं और मेरा जन्म कार्ड में, हमने ईवीएस के स्किल्स और प्रोसेसेस की बात की थी, तो अगर ये बच्चों के अलावा ये टीचर्स भी देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि हम इन खेलों द्वारा उन प्रोसेसेस और स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एनवायरमेंट साइंसेस स्टडीज एक ऐसा एरिया है जहां पर लर्निंग हैज टू बी इन पार्टिसिपेटरी नेचर। सो टीचर का काम सिर्फ बताना नहीं है जैसे आपने भी बोला, बट बच्चों के साथ मिलकर, एनवायरमेंट के साथ मिलकर सीखना है। चलिए शुरू करते हैं जी, बिना कोई बात
आगे की है, अब बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कुछ करने के लिए। हमारी पहली एक्टिविटी का नाम है आई एम अ ट्री, और उस एक्टिविटी में, उस खेल में इमेजिन करना है कि आप एक ट्री हैं, और आपको मैं कुछ सिचुएशंस या स्थितियां दूंगी, और आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी और अपने हाव भाव से एक्ट करके बताना है कि उस सिचुएशन में ट्री के साथ क्या हो रहा है। पांव नहीं हिलाने हैं, लेकिन मतलब पांव भी हाथ हाथ हिला सकते हैं, आप क्योंकि ट्री तो कविता खड़ा जी, रहता आप और नेहा जी तो आप सीट पर बैठ के कर लीजिएगा, है। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो हाँ अपनी जैसी सीट से खड़े होंगे और अपने आप को अलर्ट कर लेंगे ये करने के ठीक है, लिए, अदरवाइज वी विल बी ठीक आउट ऑफ द कैमरा। है? या श्योर। तो जी बच्चों आप तैयार हैं? आपने सोचा कि आपने कल्पना कर लिया कि आप एक ट्री हैं, और अचानक से एक वायलेंट स्टॉर्म आता है, तो आप कैसे मूव करेंगे, आप कैसे हिल रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी क्या फीलिंग है, करके देखिए, फील कीजिए उस चीज को। इस तरह से हिलेंगे अचानक शायद कुछ। बिल्कुल हिलेंगे, डर भी है कि टूट ना जाए, गिर ना जाए, जड़ से ना उखड़ जाए। अभी इमेजिन कीजिए कि एक जेंटल ब्रीज चल रही है, ठंडी हवा कीजिए, फील कीजिए, मूव ब्रीद भी कीजिए, कर ब्रीथ रहे हैं पेड़ तो, ब्रीद भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। भी कर रहे हैं। आपकी ट्रंक पे एक छोटी सी स्क्विरल चल के जाती है, गुदगुदी तो कैसी फीलिंग आती है? क्या गुदगुदी गुदगुदी होगी, होगी? गुदगुदी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके टहनियों से अगर कोई पत्ते और फल फूल तोड़े तो कैसी फीलिंग होगी? दर्द जैसे किसी ने होगा। चूटी काटी। लेकिन फल तो पेड़ बिल्कुल, देता है ना, पेड़ को खुशी मिलती होगी शायद फल देकर, क्या ऐसा भी हो बिल्कुल सकता बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। है। दूसरा नजरिया ये है, बिल्कुल हो सकता है कि पेड़ बहुत खुश हो हाँ, फल देकर। हाँ, अगर कोई आपकी बार्क पे, आपकी ट्रंक पे ऐसे कोई कार्व कर दे, कुछ लिख दे, तो कैसी फीलिंग होगी? या जी कह तो उसको सकते नहीं है कुछ। जी अचानक से फॉरेस्ट फायर। राइट, बारिश आ जाती है हल्की हल्की। वाह, मुझे महसूस भी होने लग गया है कि बाहर बारिश तो नहीं आ रही है। जी अच्छा, आपके ऊपर एक नन्हा छोटा बच्चा चढ़ रहा हो। हाँ, गुड, सो नाइस, वेरी या नाइस। लेकिन इसमें फिर जेस्चर कैसे करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ का जेस्टर जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है, अच्छा, ये ओके ऐसे ओके बिल्कुल हो सकता है कि ओके पेड़ की टहनियां उस बच्चे के को ऐसे ऐसे सहलाएं, क्रिएटिविटी हाँ, है, गिरने इमेजिनेशन है, गिरने गिरने से बचाएं, पर करने से बचाएं, बोलना, इमेजिनेशन है, बताना नहीं है ना कि हमें क्या फील हो रहा है, ओनली नहीं जेस्चर्स। फील करना है, अच्छा, फील करना है। फील करना है, मूवमेंट करना है, बॉडी जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, ओके ताकि ओके आप बच्चे भी अगर कोई अलग ढंग से भी सोच सकते हैं। आप कोई आपको कोई पानी दे रहा है आपकी जड़ों में, या फिर अचानक आपको कोई काटने आ जाए। जी हाँ, नेहा जी भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश मुझे कर रही मुझे हूं। तो बच्चे बनने में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। देखिए, हमारी जी क्रिएटिविटी और बच्चों में बहुत फर्क होगा शायद, बहुत और बच्चों बच्चों, मुझे पता है आपको ये करके बहुत मजा आया होगा, और आप कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी से या इस खेल से आप पेड़ों से, पौधों से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन मुझे शिल्पा इसमें एक आइडिया है कि जी शायद हम ये जेस्चर्स दें कि हम ये पेड़ हैं, और बच्चे वो सिचुएशन को गेस करें कि शायद पेड़ को कोई काट रहा होगा, वो
बिल्कुल हो सकता है, इट कुड बी द अदर वे दैट व्हाट इज हैपनिंग, तो बहुत एब्सोल्युटली सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे. एब्सोल्युटली इट्स अदर वे ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स राइट. सो लेकिन मुझे ये पता है कि इस तरह की एक्टिविटीज करने से एक जुड़ाव बनता है, नेचर के साथ जुड़ाव बनता है, पौधों पेड़ पौधों के साथ जुड़ाव बनता है. इसी तरह की अगर एक्टिविटी सोची अगर एनिमल्स को थीम रख के की जाए वेरी नाइस एंड आल्सो चिल्ड्रन विल नॉट ओनली बी यू नो दैट फीलिंग दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी फॉर दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस यस मुझे लगता है बच्चे अब अगर पार्क में जाएंगे बाहर जाएंगे जब भी लॉकडाउन के बाद तो वो पेड़ों को जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि जब वो पानी डाल रहे हैं तो पेड़ क्या ऐसा फील कर रहे हैं कर रहे हैं बताया गया था, वो उसको ऑब्जर्व करने की जानने की कोशिश करेंगे जरूर. तो बच्चों जैसे अभी नेहा जी ने बोला कि आपको ऑब्जर्व करना है देखना है, नेहा जी उसके लिए वो अपनी फीलिंग भी तो उसके साथ रिलेट करेंगे ना. जैसे पेड़ कट रहा है, इफ आई एम अ ट्री मुझे कोई काट रहा है तो आई विल नॉट कटा हुआ पेड़ देखकर भी कोई कटा हुआ पेड़ देखकर भी वो मतलब रिलेट कर सकते हैं कि इसको कैसा लगा होगा, कैसी तकलीफ हुई होगी. सो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन बिकॉज वो पार्क में जाते हैं खेलते हैं थोड़ा और समय है फिर शायद वो दोबारा से पार्क में जा सकेंगे खेल सकेंगे तो वो इन चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकेंगे. तो अभी हमने तो बात की एक इमेजिनरी ट्री की, आपको बोला हमने इमेजिन करने के लिए, चलिए अब कुछ असली पेड़ों की बात करते हैं. लॉकडाउन है अभी हम अंदर बैठे हैं, क्या बच्चों आपको आपकी खिड़की से कोई पेड़ नजर आता है? देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा इधर उधर हिलिए और देखिए ध्यान से कोई पेड़ नजर आ रहा है. पर्दा हटाइए आगे से, मुझे अपनी विंडो से दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं आपको पेड़. तो थोड़ा सा कविता जी आप तो उठ नहीं सकते, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी उठ के जाएं और पास जाकर पेड़ को पूरी तरह से देखें, उसकी शेप को देखें, उसकी स्प्रेड को देखें, उसकी ब्रांचेस की फॉर्मेशन को देखें, बहुत ध्यान से देखें. ओके छोड़ के मत जाइएगा बच्चों, यही रहिएगा, मैं आपको आगे का बताऊंगी. क्या दिखेगा बच्चों को? आपको आप बच्चों ने कुछ देखा वहां पर, बच्चों ने आपको पक्का कुछ दिखा होगा अपनी खिड़की से बाहर, बहुत कुछ पेड़ पत्तियां पत्तियां ब्रांचेस, मुझे एक स्क्विरल भी दिख रही है. शेप कविता मैम ऊपर शेप देखिए शेप, ओके एक्चुअली इट्स अ पीपल ट्री व्हिच आई कैन सी. तो अब आप बच्चे वापस आ गए हैं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठ गए हैं, जल्दी से एक पेंसिल ले सकते हैं और एक पेपर ले सकते हैं और एक ना आउटलाइन बना सकते हैं ट्री की कि वो कैसा ऊपर से कैसा दिखता है, वो क्या कोई अम्ब्रेला जैसा था या वो लॉलीपॉप जैसा था या वो एक कोन जैसी शेप थी उस ट्री वो, के वो वो शेप खुद इमेजिन करके बताएंगे कैसा था, वो आउटलाइन बनाएंगे. आउटलाइन बच्चे 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 आउटलाइन बना रहे हैं और मुझे पता है बच्चों ने बनाया है और आप बना के देख सकते हैं कि हाँ ये देखिए ये अम्ब्रेला जैसी शेप आ रही है ना, वैसे ही ये ट्रायंगल जैसी शेप भी आएगी या इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसी शेप भी आएगी. वो छाता है या कोन है या किस शेप से मिलता जुलता है जी. तो आपने तो अभी एक ही देखा, कोशिश कीजिए बालकनी में जाइएगा अभी मत बाद में प्रोग्राम के बाद और देखिएगा क्या और भी तरह के पेड़ है और उन सबकी आउटलाइन को भी बना के रखिएगा. और मुझे तो उनके ट्रंक्स भी दिख रहे हैं, किसी के इतना बड़ा है किसी का इतना है. बिल्कुल बिल्कुल तो उनकी और भी उनकी शेप कैसी है और ऊपर से पूरे पेड़ की शेप कैसी है, तो पूरे पेड़ को ध्यान से देखकर उसकी एक आउटलाइन बनानी है जी. ओके. जब आपने आउटलाइन बना ली तो आप हैरानी से पक्का ही देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पेड़ों की शेप तो एक जैसी लग रही है आउटलाइन, अंदर का भी कुछ नहीं है लेकिन आउटलाइन कुछ की एक जैसी लग रही है, कुछ की कोन जैसी लग रही है, दो तीन ट्री की कोन जैसी लग रही है, कुछ की अम्ब्रेला जैसी लग रही है. तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं कि हाँ ये पेड़ है, ये पेड़ का अम्ब्रेला जैसे, अगर आपको नाम पता हो तो आप नाम भी लिख सकते हैं कि अगर मैंने एक पीपल का बैनियन ट्री देखा तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ वैसे कि बैनियन ट्री देखा तो उसमें क्या शेप है. अच्छा आपने अशोका देखा तो उसमें क्या शेप थी, उसमें तो ऐसे बिल्कुल ट्राइंगल बिल्कुल पतला छाता, अगर बंद कर दें मुझे लगता है ऐसी होगी. आपको मैं कुछ शेप्स दिखाना चाहूंगी कविता जी, बच्चों को भी आप देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं. सो ये देखिए ये आउटलाइन, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर और ऊपर थोड़ी और ऊपर, हाँ आप थोड़ा थोड़ा सा नीचे थोड़ा नीचे, हाँ आप ठीक है. ये देखिए ये आउटलाइंस है, वेरी नाइस. जैसे ये अलग अलग शेप्स हैं, अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप आएगी,
जैसे एक क्रिसमस ट्री की शेप है, कुछ इस तरह की शेप आएगी, कुछ वास जैसी शेप आएगी, कुछ फाउंटेन जैसी शेप आएगी। आप जरा फाउंटेन वाली शेप को देखिए, आपके मन में फटाफट आएगा फिर ये तो पक्का कोकोनट ट्री ऐसी ही शेप का होता है, हाँ बिल्कुल। या डेट पाम का ट्री होता है, वो भी ऐसी ही शेप का होता है। तो ये अलग अलग जगह पर अगर कंट्री में लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो इट ऑल्सो रिलेट्स टू यू नो द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट यू नो मे बी इन दिल्ली वी मे नॉट गेट टू सी दीज कोकोनट ट्रीज बट जी पीपल इन द हिली एरियाज विल बी हैविंग यू नो उनके पास देखने के लिए बहुत सारे ऐसे कोनिकल ट्रीज होंगे। जी तो जी अलग अलग तरह की रीजन में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स की, तो वो इन शेप से मैचिंग, इनको हिंदी में भी अगर कुछ बता सकते हैं वो अपने नाम भी दे सकते हैं इनको। बिल्कुल। आप ये जो नाम नीचे लिखे हुए हैं, अभी पहले सारा फोकस इनकी शेप पे, आप ये समझिए कि उसकी शेप क्या है, इन सबकी जी शेप्स के नाम भी हैं। जी सो अभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने आसपास नीम, मैंगो, पीपल, बैनियन, इन जो भी ट्रीज हैं उन सबकी शेप बनाएं और बनाए। देखें। हाँ जरूरी नहीं है वो जो आपने नाम दिए उससे मैचिंग हो, वो अपने नाम भी रख सकते हैं कि ये अनगिनत ऐसी हैं। ऐसी जी कुछ भी अपना नाम, कि ये छाते जैसी है, ये आइसक्रीम कोन जैसी है, ये जी बंद छाते जैसी है, ये खुले छाते जैसी है, तो जी जी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने देख लिया इसको। जी 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 अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कविता जी, बच्चों के साथ तो मैं खेल ही रही हूं, मैं आपके साथ भी खेलूं एक हाँ मुझे गेम। बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली, आई एम रियली एंजॉयिंग। राइट। सो मुझे सच बताऊं, मैं सबने देखा हुआ है मैं कौन बनेगा करोड़पति, हाँ राइट। मैंने एक गेम डिवाइस बना किया है जिसका नाम है कौन बनेगा एनवायरनमेंट का महारथी। अच्छा एनवायरमेंटल महारथी, करोड़ तो नहीं देने वाली है बस महारथी है। मैं आपसे बीच बीच में छोटे छोटे से उसी तरह के ऑप्शंस देके सवाल पूछूंगी, राइट। हाँ हम भी हाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे। चलिए, चलिए लेट्स ट्राई, आई होप। ये गेसिंग गेम है, मैं आपको कुछ पूछूंगी, आप बताएंगे इमेजिन करके कि कौन सा एनिमल है, मैं आपको ठीक है। फोर ऑप्शंस भी दूंगी, नेहा और मेरे बीच में कंपटीशन है। राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, ओके। आई एम वेरी स्मॉल, हाँ एवरीथिंग सीम्स सो वास्ट, आई एम अ जंपिंग इंसेक्ट विद वेरी लॉन्ग एंटीना, एंड आई अच्छा मेक साउंड इरिटेटिंग टू ह्यूमंस। अच्छा इरिटेटिंग, ओके। आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। हाँ ये बात पहला है सही है, ग्रास तो फिफ्टी हॉपर। फिफ्टी और इस तरह का ऑप्शन भी है। लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स लाइफ, बस मैं वो क्रिएट ही चाहिए। करने वाली हूँ। लाइफ लाइन हो सकती है अगर आपके जो हमारे व्यूअर्स हैं कोई बच्चा कॉल करके ही बता दे, अच्छा ठीक है फिर तो ठीक, वो फिर सही आपकी है, लाइफ लाइन है, वेरी नाइस। हाँ राइट। ठीक सो ठीक ग्रास हॉपर, दूसरा ग्रास हॉपर, कॉकरोच, दूसरा ऑप्शन है कॉकरोच, तीसरा है क्रिकेट, क्रिकेट, चौथा है स्पाइडर। स्पाइडर। ओके। नेहा आपको कुछ गेस हुआ? मुझे लगता है क्रिकेट। आई एम मुझे जस्ट लगता है, गेसिंग। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है मेरी पहली चॉइस क्रिकेट है शायद, लेकिन ग्रास हॉपर हो, दूसरे मिलेगा ऑप्शन के नहीं। एक चीज बतानी है, अच्छा ठीक है वी विल गो विद ठीक क्रिकेट। है, सो आई विल ऑल्सो गो विद द पॉपुलर चॉइस क्रिकेट। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर जी दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आपको ओ मिलते वाह हैं वाह वाह, 10 पॉइंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बच्चा, मुझे इस तरह के खेल खेलना बहुत पसंद है, ये खुद हम क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, किसी आप कोई भी थीम ले सकते हैं, आप हेल्पर्स भी ले सकते हैं, थिंग्स यू सी इन द स्काई के बारे में कर सकते हैं। आई थिंक इससे नई क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी, बड़ी बच्चों की जनरल नॉलेज भी होगी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे शायद इस तरह की खेलते होंगे। लेकिन जी अब ये अगर इसको लेके पेरेंट्स उनके लिए और कोई खास 10 क्वेश्चन रोज के डिजाइन करें, या बच्चे खुद दूसरों के लिए करें, सो इट विल कैन यू नो हेल्प यू नो बहुत सारी स्किल्स बच्चों में हम मैं नर्चर आपको कर यही सकते हैं, कहना एनरिच चाहती कर हूँ सकते कविता हैं। जी, श्योर श्योर, वेरी नाइस, बच्चे खुद बना सकते हैं और बच्चे बहुत ही खुद अच्छा बना, बता सकते हैं, बहुत अच्छे, और तो ऑप्शंस भी बच्चों के क्रिएट लिए, कर सकते हैं। बच्चों का ये काम है, बच्चे ये बनाएंगे और हमें बताएंगे उन्होंने ऐसे क्या क्विज क्वेश्चंस बनाए, और खेलेंगे भी कौन हम बनेगा। खेलेंगे भी। हम जी उन्हें टास्क भी दे सकते हैं शिल्पा जी, अगर आपके पास एक आध सवाल हो तो हम उस तरह के सवाल उन्हें टास्क के लिए दे दें,
और वो जवाब हमें मेल कर सकते हैं, हम उन्हें हाँ अपना मेल टास्क आईडी दीजिए वगैरह शेयर कर दीजिए, रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए टास्क शिल्पा जी। जी, तो वो आपका काम यही है, आप कोई भी एक थीम उठाएं और उस पे आप 5 ऐसे क्विज क्वेश्चंस और 7 ऑप्शन जरूर दीजिएगा हमारे लिए, आप हमें बना के भेजिए, हाँ आंसर हम करेंगे आंसर हम करेंगे। ठीक है। जी और जी है तो कुछ? जी, अभी तो ये वाले सवाल तो मैं आपसे पूछती रहूंगी कविता जी। अच्छा बीच बीच में, जी, अच्छा बीच बीच में। अभी हमने बच्चों बात की प्लांट्स के इमेजिनेशन, रियल प्लांट्स के बारे में। ये सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं जो आप अकेले ही कर पाएंगे, राइट? आप सबके साथ भी कर सकते हैं, बट यस, ये इंडिविजुअल ज्यादा हैं। अभी चूंकि सभी घर पे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व हो सके, राइट? कुछ कुछ बिल्कुल कुछ कुछ मजेदार। सो मैं एक ऐसा ही खेल लेके आई हूं, उसका नाम है हु बिलोंग्स वेयर, ओके। कौन कहाँ बिलोंग करता है। ये अगर ये आप देख सकते हैं ऊपर शीट, या आई कैन सी सॉयल, वेटलैंड, सिटी एंड फॉरेस्ट। अच्छा यस ये एक तरह की चार हैबिटेट्स जो है। जी, अच्छा तो सिटी इनमें से थोड़ी अलग लग रही है, बट ठीक है, जंगल और सिटी। हाँ जी, फाइन, अब आप डेजर्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर नीचे। हाँ आप डेजर्ट भी कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, बच्चों की मन की मर्जी है, ठीक लेकिन है। 4 हैबिटेट्स अपने घर के 4 कोनों में हाँ उनको लिखने हैं। मिट्टी में है, जंगल में है, या जी कि वेटलैंड जो मार्शी एरियाज होते हैं उनमें है, या फिर जी शहर में है। ठीक या फिर शहर में है। जी ठीक है ठीक ठीक। है, हैबिटेट जहां पर प्लांट्स या एनिमल्स उगते हैं, बिल्कुल। रहते हैं। जी, एनी लिविंग थिंग। एनी लिविंग थिंग स्टेज। सो उसके बाद आपका क्या काम है, जैसे मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं, आप ऐसे कार्ड्स बना लीजिए, राइट? ओके एंट्स, चींटियां। सो जी हाँ डियर, जी हिरन, ओके डॉग्स, जी ओके, राइनोसरस, जी गैंडा। तो ये कहाँ रहने वाला है? जंगल में। जी तो नहीं, अच्छा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप मत बताइए, ये सारे अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। इसके बच्चे कार्ड्स बनाएंगे, कुछ ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो वेटलैंड में रहते हैं, और कुछ बनाएंगे जो सिटी में रहते हैं, इसी तरह से बाकी दो हैबिटेट्स के लिए भी। अच्छा ये सिंपल बताना नहीं है, खेलना है इसको। अच्छा जी, खेलना है ओके ओके। इसको। जी, चलिए ठीक है, तो जी। अब मैं, अगर बच्चों को, अभी शिल्पा आपने टाइम का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, देखते समय हुए समाप्त हो रहा है शिल्पा जी, थोड़ा सा ओके जल्दी ओके बताइए। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ये वाली ठीक है। जल्दी, हाँ जल्दी बता जी, दीजिए। तो आप जो घर के 4 कोने हैं आपने मार्क कर दिया, अब अपने घर में जितने लोग हैं सबको लेकर आइए, एक साथ एक सर्कल बनाइए। आप म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं, या एक परिवारजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं थाली बजाने की। और ये जो कार्ड्स है ना, इनमें से 4 कार्ड्स लीजिए और ऐसे एक के बाद एक दूसरे को पास करते रहिए जब तक म्यूजिक चलती है, जैसे आप पासिंग द पार्सल खेलते होंगे, राइट? है ना, तो जैसे ही वो थाली बजना बंद होगी या म्यूजिक बंद होगा, तो जिसके हाथ में वो कार्ड आएगा और उस पे जो लिखा होगा, जिस एनिमल का नाम या प्लांट का नाम लिखा होगा, वो उस हैबिटेट में, उसको भाग के जाना पड़ेगा विद इन द सेकेंड्स, ओके राइट? वेरी नाइस। सो एवरीबडी विल बी दैट्स अ गुड, एक्टिव। यस, एवरीबॉडी गुड विल बी वन। एक्टिव, राइट? एंड विल सो एंजॉय आल्सो, अब या सारे परिवार को समय मजा आने वाला है। मजा, या तो फिर देखना सबसे पहले कौन पहुंचा, ठीक है? बिल्कुल कौन, ये क्या पता आपकी बहन, भाई, पापा, मम्मी, दादा, कौन दादी में जीतता से है। कोई भी पहुंच सकता है। बहुत और मजा आया, बहुत जी, मजा आया। और दूसरी चीज ये है कि जरूरी सवाल कि क्या उन्होंने सही हैबिटेट चुना? अगर मैंने बोला हाँ अगर अटल था, तो क्या वो सिटी कर दिया या डेजर्ट कर दिया, जी, या ऐसी भी हो सकती है, तो तो फिर क्या क्या जो पनिशमेंट है? नहीं, फिर एक तरह की बातचीत है अच्छा ठीक है आपस में, ओके। तो कि आपने ये वाला हैबिटेट क्यों चुना, तो ये बच्चे भी बातचीत कर सकते हैं कि ये वाला क्या ठीक है, क्या सही है उसके लिए हो हैबिटेट, सकता है उन्होंने इस कहीं पर हम देखा आगे, हो। राइट राइट, शिल्पा और जी, कविता दूसरा जी, इस पर हम आगे बात करेंगे, आज का समय बिल्कुल बहुत आगे बढ़ बिल्कुल गया है हमारा, बिल्कुल। वहां थैंक समाप्त हो यू गया है। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह के खेल हम आगे भी खेलते रहेंगे, और आप इसी तरह एंजॉय करते रहिए। आपके कुछ भी सवाल क्वेरीज हो, या आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी की हो, तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर बताएं।
ciet.kishormanch@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।